हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। आप सबको भगवान बहुत खुश रखे। दोस्तों, ये है एलजी का 1.5 टन 4 स्टार रेटिंग का ड्यूल इन्वर्टर एसी, जिसमें हमें 6 कूलिंग मोड्स मिलते हैं। उन 6 कूलिंग मोड्स में से हम 5 मोड्स के ऊपर इस एसी की टेस्टिंग कर चुके हैं, यानी कि 40%, 60%, 80%, 100% एंड AI मोड की टेस्टिंग हम कर चुके हैं। उनके वीडियोस देखने के लिए आप चैनल विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अब लास्ट कूलिंग मोड, जो कि विराट मोड होता है, उसकी टेस्टिंग करने वाले हैं कि जब हम इस एसी को विराट मोड के ऊपर चलाएंगे, बेसिकली हाइपर कूलिंग मोड के ऊपर चलाएंगे, एक्सपेंडेबल कूलिंग मोड के ऊपर चलाएंगे, तो क्या वर्किंग रहती है इसकी, कैसी परफॉर्मेंस एसी देता है। तो फटाफट से एसी को करते हैं ऑन, लेकिन उससे पहले आप एक नज़र मारिए हमारे एनर्जी मीटर के ऊपर, जहां पर लोड अभी बिल्कुल जीरो है और जो इनपुट सप्लाई है वो 230 पर हमने सेट की हुई है। तो चलिए फटाफट इसको ऑन करते हैं। और ये देखिए, अभी जो टाइम है 3:15 बज रहे हैं, तो यानी कि दोपहर का टाइम है, काफ़ी गर्म मौसम है। तो चलिए पहले तो इसको ऑन करते हैं। तो जैसे ही हमने एसी ऑन किया, आप देख सकते हैं 26 डिग्री डिजायर टेम्परेचर सेट हुआ हुआ है और फैन स्पीड हाई पे सेट है और स्विंग की सेटिंग्स भी आप देख सकते हो जिस तरह से हैं। और इंडोर के ऊपर आपको ये पेपर की कटिंग झालर टाइप में दिख रही है, ये भी लगाई गई है। बेसिकली ये किसी और टेस्टिंग के लिए मैंने लगाई है, बट चलो इसमें भी थोड़ा सा ये हेल्प कर देगी हमें। अभी ये एसी ऑन हुआ है, 26 डिग्री टेम्परेचर हमने सेट किया हुआ है जो इस पे, उसके हिसाब से अभी ये कूलिंग करेगा। तो लोड जो आप देखिए 115 के आसपास आ गया है और 120, 135 इस तरह से बढ़ता जा रहा है, और जो इनपुट सप्लाई है वो 228 पे आ गई है, जो कि 230 पे थी, और अम्पेयर भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। 2 अम्पेयर पे ये मशीन अब आ गई है। तो ऐसे धीरे धीरे ग्रेजुअली हमेशा इन्वर्टर एसी अपना लोड बढ़ाता है। और आप देख सकते हैं अभी 110-115 पे चल रहा था लोड, जो एकदम से अब 500 के आसपास आ गया। तो इसी तरह से ये लोड मैक्सिमम पे ले जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्टेज में इन्वर्टर एसी अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी से काम करता है रूम के अंदर टेम्परेचर अचीव करने के लिए। सो बेसिकली रिमोट पे अगर मैं दिखाऊं तो जो रूम टेम्परेचर है वो 30 आ रहा है, ठीक है, और हमने जो सेट किया है वो है 26। तो फिलहाल 4 डिग्री का फर्क है, बट हम इस एसी को नॉर्मल मोड पे नहीं चलाने वाले हैं, हम इसको चलाने वाले हैं हाइपर मोड के ऊपर या फिर विराट मोड के ऊपर। तो विराट मोड के ऊपर जब हम इस एसी को अब शिफ्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या चेंजेस आने वाले हैं। सो बेसिकली अब यहाँ पर ये जो बटन होता है 6-in-1 एसी प्लस 4, ये होता है कैपेसिटी को रिड्यूस करने के लिए और AI मोड के लिए। लेकिन जो ये वाला बटन है, इस पर डेडिकेटेडली लिखा हुआ है, ये देखिए विराट, तो ये विराट मोड का बटन है एसी को विराट मोड पर लेके जाने के लिए। तो आप जैसे ही इस बटन को प्रेस करते हैं, तो इसको आप एक बार इसका बेशक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। तो जैसे ही मैं इसको विराट मोड पर डालूंगा तो आप देखिए HC आ गया यहाँ पर, और इंडोर के ऊपर भी आपको HC लिखा हुआ मिलेगा। और ये जो फ्लैप है ये एक बार डाउन गया है और ये इनिशियलाइज होके दोबारा से सेट हो जाएगा। अब आप रिमोट के ऊपर देखिए, जैसे ही हमने हाइपर मोड ऑन किया या फिर विराट मोड ऑन किया, तो फैन स्पीड देखिए कहाँ पहुँच गई, जो ऑलरेडी हाई पे सेट थी वो 2 स्टेप और ऊपर चली गई। PO का मतलब मुझे लगता है पावरफुल मोड हो सकता है, तो 2 स्टेप और ऊपर चली गई, यानी कि फैन स्पीड जो मैक्सिमम है F5, उससे भी 2 स्टेप और ऊपर चली गई जब आप विराट मोड यूज़ करेंगे। उसके बाद स्विंग, आप देखिए जो लेफ्ट टू राइट वाली स्विंग थी वो मैंने सेट कर रखी थी, ऑन कर रखी थी, बट जो स्विंग अप एंड डाउन वाला था उसको हमने लॉक किया हुआ था एक स्टेज के ऊपर, बट वो बाय डिफॉल्ट ऑन हो गई, ऑटो पे चलने लगी। आप देख सकते हैं इंडोर के ऊपर भी, जो ये तो आपको दिखी जाएगी, अंदर वाली हो सकता है ना दिखे, बट इस टाइम 4-way स्विंग ऑन है, अंदर वाली भी चल रही है और बाहर वाली भी चल रही है, अप एंड डाउन वाली भी चल रही है। और फैन का जो स्पीड है वो बिल्कुल मैक्सिमम पे सेट हो चुका है, और हो सकता है कि ये जो झालर लगाई है मैंने, इसको देखकर भी आप थोड़ा सा अंदाज़ा लगाएं कि फ़ैन का जो स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो चुका है। एयर फ्लो बेसिकली काफ़ी तेज़ अब आ रहा है, लेकिन एयर फ्लो तेज़ होने से एक नुकसान हो जाता है कि नॉइस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जो एसी
साइलेंट ऑपरेशंस पे चलता है जब हम इसको मीडियम पे चलाते हैं, या हाई पे भी इतनी ज़्यादा नॉइस नहीं करता, बट अब बहुत ज़्यादा नॉइसी ये हो चुका है क्योंकि अब इसको हमने हाइपर मोड के ऊपर चलाया है। तो आप ये मान के चलिए कि फैन स्पीड 7 पे सेट हो गई है अब इसकी, ठीक है। तो ये है इसकी वर्किंग फिलहाल। तो अब हम देखेंगे कि जब हम एसी को हाइपर मोड के ऊपर डालते हैं तो होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, हाइपर मोड के ऊपर भी एसी अपना लोड धीरे धीरे ही इंक्रीज कर रहा है। ऐसा नहीं है जैसे ही हाइपर मोड पर डाला तो एसी एकदम से हाई कैपेसिटी के ऊपर चला गया। आप देख ही रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कि धीरे धीरे लोड इंक्रीज हो रहा है। अभी 1300 था, फिर 1400 हुआ, फिर 1500, 1600, इस तरह से। लेकिन हाइपर मोड एक ऐसा मोड होता है जिसमें लोड मैक्सिमम चला जाएगा, क्योंकि हाइपर मोड या फिर विराट मोड एक ऐसा मोड है किसी भी इन्वर्टर एसी की अगर हम बात करें जिसमें एक्सपेंडेबल कूलिंग होती है, वो एक मोड ऐसा होता है जब हम कूलिंग को एक्सपेंड करते हैं। तो सिंपल भाषा में बताऊं तो एसी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बिजली खा सकता है वो खाता है उस मोड के ऊपर, ताकि यूज़र को वो एसी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कूलिंग दे सकता है वो दे सके। तो ये एक बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है कि अगर आप एसी का एक्सपेंडेबल मोड यूज़ करते हो तो वो बिजली ज़्यादा खाता है। अब हम बात करेंगे परफॉर्मेंस की या फिर वर्किंग की। तो आप देख सकते हैं जो एसी हमने अभी ऑन किया है, ये मैं आपको रिमोट पे दिखाता हूँ, लगभग 5-6 मिनट ही हुए हैं। 2:46 हो रहे थे तब, अब 2:52 हो रहे हैं। तो 6-7 मिनट में इस एसी का जो लोड है वो लगभग 2000 वॉट के आसपास चला गया है, इवन कि 2000 वॉट से भी ऊपर चला गया है। और जो इनपुट सप्लाई था 230 वोल्ट, वो घटकर 224 के आसपास आ गया है, क्योंकि लोड जब पड़ता है तो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप जाता है। हालांकि मैं इसको रिवाइव कर सकता हूं, बट मैं आपको नॉर्मल कंडीशंस में इस एसी को टेस्ट करके दिखाने वाला हूं, क्योंकि आपके पास कोई ऐसा डिवाइस नहीं होगा कि आप उसको रिवाइव कर लो वोल्टेज को या एडजस्ट कर लो। तो आपके यहां पर अगर 230 आती है तो क्या रहेगा वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो लगभग 2000 वॉट का ये एसी लोड ले रहा है, जिसका मतलब ये है कि अगर ये एसी इसी हिसाब से 4 घंटे के लिए आपने चला दिया तो 8 यूनिट ये कंज्यूम कर लेगा। तो विराट मोड या फिर किसी भी इन्वर्टर एसी का एक्सपेंडेबल कूलिंग वाला मोड अगर हम यूज़ करते हैं तो बिजली की खपत बहुत से बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब डिपेंड ये करता है कि हमारे रूम के कंडीशंस क्या हैं, क्या हमें उस चीज़ की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं एक्सपेंडेबल कूलिंग को यूज़ करने की, क्योंकि मैं तो 26 या फिर 27 पे एसी को रखता हूँ तो उतना ये बहुत जल्दी मेंटेन कर देता है, तो मुझे ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। बट हाँ, कुछ लोगों को ऐसी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनके रूम में बहुत ज़्यादा हीट सोर्स हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा पर्सन्स हो सकते हैं, या फिर वो रूम सील नहीं हो सकता जिससे कि रूम में टेम्परेचर मेंटेन ना रहे, तो ऐसे में फिर वो इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट आप एक बात ध्यान में रखिए अपने कि अगर आप विराट मोड यूज़ करते हो तो बिजली की खपत बहुत बहुत ज़्यादा होगी। अब बात करते हैं कि जब हम एसी को विराट मोड के ऊपर चलाते हैं तो हम क्या क्या सेट कर सकते हैं और क्या क्या सेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मैंने आपको दिखाया था कि स्विंग अपने आप ऑटो पे चला गया, फोर वे स्विंग, सॉरी, अंदर वाला जो स्विंग है लेफ्ट टू राइट वाला, वो ऑलरेडी ऑन था तो वो ऑन ही रहा, और टेम्परेचर जो है वो डिस्प्ले से गायब हो गया। पहले 26 डिग्री आ रहा था लेकिन अब HC लिखा आ रहा है, दैट मीन्स हाइपर कूलिंग। तो विराट मोड पे इस तरह से आपको चीज़ें मिलेंगी। लेकिन अब हम बात करते हैं रिमोट के ऊपर आकर, तो सबसे पहले हम स्विंग को टेस्ट करते हैं। तो ये हम चाहते हैं कि जो ये स्विंग है लेफ्ट टू राइट वाला, ये जो फ्लैप ऊपर नीचे हो रहा है, क्या हम इसको रोक सकते हैं? तो हम एक बार इसको ट्राई करते हैं। तो ये रहा बटन, तो मैं इसको रोक रहा हूँ यहाँ पर, तो बिल्कुल
यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका आइकन ही चला गया और जो फ्लैप है वो रुक गया। तो जहाँ पर मैंने इसको रोकना था ये वहाँ पर रुक गया। इट मीन्स कि हम स्विंग को एडजस्ट कर सकते हैं, जो अप एंड डाउन वाली स्विंग है। अब इसको क्या हम कहीं पे भी सेट कर सकते हैं या सिर्फ रोक सकते हैं, ये भी देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे आपको फ्लैप भी दिख रहा होगा, अब मैक्सिमम डाउन चला गया है। इसी तरह से थोड़ा सा ऊपर करना है तो ऊपर 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 ले चलते हैं, तो आप देख सकते हो ऊपर जाके सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि विराट मोड के ऊपर आप स्विंग को एडजस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी स्विंग की, जो लेफ्ट टू राइट चलती है। तो लेफ्ट टू राइट वाली जो स्विंग है अभी यहाँ पर ऑन है, आप देख सकते हैं। तो इसको क्या रोका जा सकता है? तो जी हाँ, अब आप देख सकते हैं आइकन यहाँ से गायब हो गया, क्योंकि जो स्विंग है वो रुक चुकी है। जिस पोजीशन पे मैंने बटन प्रेस किया उसी पोजीशन पे रुक गई है, वो आपको नहीं दिख रही। आई एम सॉरी, लाइट की थोड़ी कमी है यहाँ पर, बट मैं देख पा रहा हूँ कि वो वहीं पर रुक गई है। तो अगर वो रुक गई है तो हम उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि हमें वो लेफ़्ट में चाहिए तो वो लेफ़्ट में चली जाएगी, हमें थोड़ा सा उसको एडजस्ट करना है, जिस तरह से भी एडजस्ट हमें करना है वो उस तरह से एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जब हम एसी को विराट मोड के ऊपर यूज़ करेंगे तो हम स्विंग को सेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक। तो एक सेटिंग तो मिल गई हमें जिसको हम अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फैन स्पीड की और टेम्परेचर की। तो जब हम इस एसी को अब विराट मोड के ऊपर चला रहे हैं तो लोड आप देख सकते हो 1900 से ऊपर चल रहा है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लोड अभी ले रहा है फिलहाल ये, और 8.47, इसको आप 8.5 एम्पेयर के आसपास लेके चलो कि ये लोड ले रहा है। और यूनिट कंजम्पशन देखो आप 0.26 हो भी चुके हैं, और अभी कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इस एसी को चलते हुए। 2:46 पर मैंने आई थिंक चलाया था, तो लगभग 10 मिनट हुए हैं। तो 10 मिनट में 1/4 यूनिट कंज्यूम हो चुका है। एनीवेज, अब हम बात करेंगे फैन स्पीड। तो फैन स्पीड जैसे ही हमने इसका विराट मोड ऑन किया था तो आप देख सकते हैं वो बिल्कुल टॉप पे चला गया था, जो नॉर्मल किसी भी मोड के ऊपर हाई से ऊपर नहीं जाता है। तो अगर हम इसका फैन स्पीड कम करना चाहें तो होगा क्या? तो चलिए, ये फैन का बटन है, इसको हम प्रेस करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने इस फैन स्पीड वाले बटन को प्रेस किया तो स्पीड डिक्रीज हो गई, एच पे आ गई, और जो टेम्परेचर है वो भी दिखाने लगा यहाँ पर, और 18 डिग्री का टेम्परेचर डिस्प्ले वहाँ पर भी हो रहा है। तो अब इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे ही फैन स्पीड को हमने एडजस्ट करने की कोशिश की, एसी विराट मोड से बाहर आ गया। अब ये बाय डिफ़ॉल्ट 18 डिग्री पर सेट हो गया और 18 डिग्री के हिसाब से अब ये परफॉर्म करेगा नॉर्मल, जैसे एक एसी हम चलाते हैं। अब यहाँ पर हम कोई भी सेटिंग अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। तो विराट मोड अब बाहर आ गया, तो आप देख सकते हो झालर जो है वो अब फड़फड़ानी थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि फैन स्पीड कम हो गया है। तो इसी तरह से अब आप देखिए, अब मैं चाहूँ इसका बढ़ाना तो नहीं बढ़ा सकता मैं, ठीक है। लो पे आ गया, लो से एक ऊपर आ गया, एम पे आ गया, फिर ये एम से ऊपर आ गया, हाई पे आ गया, अब हाई से ऊपर नहीं जा रहा, ये वहीं वहीं सेट है, ठीक है। तो यानी कि विराट मोड पे ही वो जो फैन स्पीड है बढ़ती है, अदरवाइज वो एच से ऊपर नहीं जाती है। तो चलिए अब इसको दोबारा से विराट मोड पे ले लेते हैं। तो ये बटन है विराट लिखा है, आप देख सकते हैं इस पर, इसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो ये विराट मोड पे चला गया, और आप देख सकते हैं स्विंग भी ऑन हो गई ऑटोमेटिकली, दोनों स्विंग यहाँ पर ऑन हो गई और ये फैन स्पीड अप हो गई, और ये फ्लैप बिल्कुल नीचे आता है एक बार और उसके बाद फिर ये ऊपर जाएगा, उतने में एसी इनिशियलाइज हो जाता है और अपना मोड शिफ्ट कर लेता है। तो अब आप देखिएगा कि जो फैन स्पीड है वो आपको फील हो जाएगी कि ये जो झालर है ये ज़्यादा फड़फड़ाने लगेगी, हालांकि आवाज़ हो सकता है कि आपको इतनी ज़्यादा ना महसूस हो रही हो। तो ये है एक वर्किंग। अब देखिए स्विंग ऑटोमेटिकली ऑन हो गई, तो जैसे ही आप विराट मोड में एंटर करते हैं तो फोर वे स्विंग ऑन हो जाता है और फैन स्पीड हाई पे सेट हो जाता है। तो फिलहाल मैं इसका जो स्विंग है वो चलिए चलने ही देते हैं, रोकना क्या है। तो ये है इसकी वर्किंग। तो हम बेसिकली
फैन स्पीड को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जब हमने इस एसी को ऑन किया था तो था 26, जो हमने डिजायर टेम्परेचर इस पे सेट किया हुआ था, लेकिन जब हम फैन स्पीड को एडजस्ट करने के चक्कर में विराट मोड से बाहर चले गए तब वो बाय डिफॉल्ट 18 पे आ गया। तो यानी कि हमने जो सेट किया था उस पे नहीं गया, वो बाय डिफॉल्ट 18 पे आ गया। तो इस एसी में एक सेटिंग की गई है कि जब आप विराट मोड से बाहर जाओगे तो एसी 18 डिग्री सेल्सियस पे सेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, आपका जो पहले सेटिंग था वो उस पे नहीं जाएगा, 18 पे सेट हो जाएगा। इसको भी अभी मैं चेक करवाऊंगा। सो बेसिकली फिर हमें उसको सेट करना पड़ेगा, हमें 22 चाहिए, 24 चाहिए, व्हाटएवर। अब जो बात है टेम्परेचर की, तो क्या टेम्परेचर को सेट किया जा सकता है एचसी मोड पे या फिर विराट मोड पे, ये भी हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो आप देखिए 3 बज चुके हैं, तो टेम्परेचर वाले बटन है ये है कम करने का, ये है ज़्यादा करने का। तो फिलहाल इस एसी के रिमोट को देखकर तो हमें ये लग रहा है कि हमें नहीं पता कि ये एसी कितने टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहा है या फिर ये कितने टेम्परेचर पर पहुंचने के बाद अपनी स्पीड को कम करेगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ से टेम्परेचर को कम करके ज़्यादा करके देखते हैं। चलो, तो जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया बटन को तो ये 18 डिग्री दिखाने लगा और फैन स्पीड आप देख सकते हो कम हो गई। ठीक है, तो फैन स्पीड कम होने का सीधा सा मतलब ये है कि जो एसी है वो विराट मोड से बाहर आ गया। तो हम विराट मोड के ऊपर एसी को जब यूज़ करते हैं तो ना ही टेम्परेचर की सेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं और ना ही फैन स्पीड की सेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जो कर सकते हैं वो है सिर्फ स्विंग की सेटिंग अपने अकॉर्डिंग की जा सकती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं अभी भी फोर वे स्विंग जो है वो ऑन है, लेकिन जो झालर है उससे आपको पता लग जाएगा कि एयर फ्लो कम हो चुका है। तो एनीवेज दोबारा से अब इसको मैं विराट मोड पर लेके चलता हूँ। अच्छा, एक और बात, अब मैं मान लो यहाँ पर इसको 26 पे तो हमने चेक कर लिया क्योंकि पहले हमने 26 पे ही इसको ऑन किया था, उसके बाद विराट मोड पे गए, फिर विराट से जब बाहर आए तो 18 पे आ गया। अब इसको ज़रा और डाउन कर लेते हैं, तो 18 पे है ये, 18 से अब इसको ये देखिए 16 पे कर दिया मैंने, तो 16 पे जब हमने इसको कर दिया लेकिन फैन स्पीड को अभी भी हम नहीं बढ़ा सकते 16 पे भी, ये देखिए इससे ऊपर नहीं जाता, वो वापस आ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं हाई पे सेट करता हूँ फिलहाल। तो 16 पे भी वो नॉर्मल फैन स्पीड जो F5 है उस पे ही चलता है, लेकिन जब हम 16 पे ही इसको अब विराट मोड पे एंटर करेंगे तो आप देखिए विराट मोड में आते ही फैन स्पीड बढ़ जाती है और टेम्परेचर जो है स्क्रीन पर वो गायब हो जाता है, HC लिखा आ जाता है, उसका मतलब आप सब जानते हैं हाइपर कूलिंग कहते हैं। तो अब ये 3 से 4 सेकंड लेता है मोड शिफ्ट करने में, तो उसके लिए वो फ्लैप पहले नीचे आता है और अब जब दोबारा से फ्लैप ऊपर गया है इट मीन्स कि अब वो शिफ्टिंग हो चुकी है और अब उसके बाद ही एयर फ्लो भी बढ़ता है यानी मोटर अपनी स्पीड को इंक्रीज करती है। तो अब आप देख सकते हैं फोर वे स्विंग वगैरह सब ऑन है, एचसी मोड में हम दोबारा से चले गए। अब एक ये मैंने क्यों करा है, ये इसलिए करा है कि अब इसको हमने 16 से विराट मोड पे डाला था, तो जब हम टेम्परेचर को दोबारा से अब प्रेस करेंगे, अब मैं चलो माइनस ही कर लेता हूँ, 16 से कम तो जाएगा नहीं ना, तो 16 से जब मैंने माइनस करना शुरू किया तब दोबारा वो 18 पे ही चला गया। आप देख सकते हो इंडोर पे 18 आ रहा है, यहाँ पे भी 18 ही आ रहा है। तो उसका सीधा सा मतलब ये है कि इन्होंने एक ऐसी सेटिंग कर रखी है इसके अंदर कि जब हम विराट मोड से बाहर आएँ किसी भी वजह से, चाहे खुद आएँ या फिर टेम्परेचर या फैन स्पीड हम एडजस्ट करने के चक्कर में आ जाएँ, तो एसी बाय डिफ़ॉल्ट 18 पर सेट हो जाता है। तो ये एक चीज़ है, होप सो आपको समझ आ रही हैं चीज़ें। अब मैं दोबारा से इसको विराट मोड पर डाल रहा हूँ, तो विराट मोड पर डालते ही फैन स्पीड बहुत तेज़ हो जाती है, तो यानी कि सब कुछ तेज़ हो जाता है, कूलिंग भी तेज़ हो जाती है, फैन स्पीड भी तेज़ हो जाती है, कंप्रेसर की स्पीड भी तेज़ हो जाती है और आपके बिजली के मीटर के घूमने की स्पीड भी बहुत तेज़ हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ये एनर्जी कंज्यूम करने लगता है। तो अब यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि ये एसी
हाइपर मोड के ऊपर एक्चुअली क्या काम करता है या फिर ये मोड बनाया क्यों गया है बेसिकली। तो आप देख सकते हैं 3-5 हो गए हैं, तो आई थिंक 2:46 पे हमने इसको ऑन किया था, तो लगभग 20 मिनट हो गए हैं। 20 मिनट में आधा यूनिट कंज्यूम हो चुका है, वो भी तब क्योंकि हमने इसको कभी मोड से बाहर निकाल लिया विराट मोड से, कभी विराट मोड पे डाल दिया। तो एनीवेज जो लोड है वो 1900 वॉट के आसपास चल रहा है, और अब यहाँ पर हम इसके कोई लोड वगैरह चेंज नहीं करने वाले हैं, एचसी मोड पे ही चलने देते हैं इसको। सो यहाँ पर अब एक बात बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए कि जब आप एसी को एक्सपेंडेबल कूलिंग मोड के ऊपर चलाते हैं तब एसी अपने हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड को मैक्सिमम पर सेट कर लेता है और जो इंडोर की फैन मोटर है उसको भी मैक्सिमम पर सेट कर लेता है। उसकी वजह सिर्फ ये होती है कि यूज़र को मैक्सिमम कूलिंग दी जाए। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि बहुत सारे ऐसे एसी हैं जिसमें इस मोड को आप फॉर ए टाइम बीइंग यूज़ कर सकते हो, यानी कि लिमिटेड टाइम के लिए ही आप एक्सपेंडेबल कूलिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हो। किसी में 25 मिनट हो सकता है, किसी में 40 मिनट हो सकता है, किसी में एक घंटा हो सकता है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली विराट मोड या फिर एक्सपेंडेबल कूलिंग वाले मोड से वो बाहर आ जाएगा। लेकिन एलजी वालों ने 2023 के एसीज में विराट मोड जो ऐड किया है उसका मकसद ये है, या उसका जो फीचर है वो ये ऐड किया है कि हाइपर कूलिंग तो ये पहले भी प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन 2022 तक के मॉडल्स में हाइपर कूलिंग मोड या फिर एक्सपेंडेबल कूलिंग मोड को लिमिटेड टाइम के लिए ही आप यूज़ कर पाते थे, लेकिन अब विराट मोड वाले एसीज को आप अनलिमिटेड टाइम के लिए एक्सपेंडेबल कूलिंग मोड पर चला सकते हो। ठीक है, अब उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि अगर आपके रूम में मैक्सिमम कूलिंग की ज़रूरत है तो आपको बार बार उसे हाइपर कूलिंग मोड पर डालने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो नुकसान होगा वो सबसे बड़ा ये हो जाएगा कि आपके एसी की जो पावर कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब उसका रीज़न ये है कि ये तो इन्वर्टर एसी हैं, इन्वर्टर एसीज में ऑलरेडी कंप्रेसर वेरिएबल स्पीड्स के ऊपर चलने वाले लगाए जाते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली रूम में एक डिज़ायर टेम्परेचर अचीव होने के बाद अपनी स्पीड्स को एडजस्ट करते रहते हैं। लेकिन जब आप विराट मोड या फिर एक्सपेंडेबल कूलिंग मोड के ऊपर इन्वर्टर एसी को चलाते हो तो वहाँ पर आप टेम्परेचर को तो सेट कर ही नहीं सकते। तो अगर टेम्परेचर को हम सेट ही नहीं कर सकते तो वो एसी को कैसे पता लगेगा कि हमें कितने टेम्परेचर के ऊपर रूम चाहिए? सो बेसिकली वो कूलिंग करता रहेगा, उसमें एक तरह से इस तरह हो जाएगा कि इंडोर में जो एक थर्मोस्टेट लगा होता है, टेम्परेचर सेंसर लगा होता है जो रूम टेम्परेचर को सेंस करता है और कंप्रेसर को सिग्नल देता है कि अब डिज़ायर टेम्परेचर अचीव हो चुका है, आप अपनी स्पीड को कम कीजिए, वो सेंसर डिसेबल हो जाता है। यानी कि इस कमरे में अब ये मैक्सिमम कूलिंग थ्रो करता ही रहेगा अनलिमिटेड टाइम के लिए, क्योंकि अब इसमें विराट मोड दे दिया गया है। उससे क्या होगा कि जो कंप्रेसर है वो अपनी मैक्सिमम स्पीड के ऊपर चलता ही रहेगा और बिजली खाता ही रहेगा। तो ऐसे में अगर आपको नीड नहीं है एक्स्ट्रा कूलिंग की तो आप इस मोड को ना यूज़ करें, क्योंकि 1800-1900 वॉट पर ये रेगुलर चलता रहेगा तो आपके बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आने वाला है, ये बात आप तय मान के चलिए। ठीक है, और इससे फ़ायदा आपको कितना मिलेगा वो तो देखो हर बंदे के रूम के कंडीशंस अलग अलग हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये बता सकता हूँ कि आप एआई मोड के ऊपर आप एसी को चलाइए या फिर 100% मोड के ऊपर एसी को चलाइए और डिज़ायर टेम्परेचर सेट कीजिए, ये एसीज आपको वैसी ही परफॉर्मेंस देंगे और आपको एक डिज़ायर टेम्परेचर अचीव करके देंगे ताकि आपके रूम में वो मेंटेन रहे। लेकिन हाइपर कूलिंग के ऊपर आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। थोड़ी देर के बाद हो सकता है स्पेशली इन द नाइट्स कि ओवर कूलिंग हो जाए, फिर आपको बंद करना पड़े ये मोड, तो उससे बेटर ये है कि आप उसको चलाएं ही ऑटो कन्वर्टेबल मोड पे, जहाँ पर आपको इस चीज़ को करने की ज़रूरत ही ना पड़े। आप देख सकते हैं ये एसी चलते हुए कितना टाइम हो गया है, तो मैं दिखाना चाहूँगा आपको, 3:10 हो चुके हैं, तो
इतना टाइम हो गया है, अभी ये एसी 1800 वाट पे चल रहा था, तो इसको असूलन अगर हम डिजायर टेम्परेचर 26 या 27 सेट करते तो अब तक तो ये कम आ जाना चाहिए था, लेकिन ये अपना लोड और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। अभी 1800 कुछ पे चल रहा था, ये 1900 से भी ऊपर चला गया है। तो इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि ये मैक्सिमम लोड पे ही चलेगा, ये कम नहीं करेगा, क्योंकि कम करने के लिए जो सेंसर सिग्नल देता है वो यहाँ पर डिसेबल कर दिया जाता है। तो ये इसकी वर्किंग है विराट मोड के ऊपर किस तरह से काम करता है एलजी का एसी, या फिर कोई भी इन्वर्टर एसी में अगर एक्सपेंडेबल कूलिंग है तो वो इस तरह से काम करती है, जिसमें बेसिकली आपको डेडिकेटेड बटन दिया जाता है एक्सपेंडेबल कूलिंग को एक्सपीरियंस करने का। और जहाँ तक बात है अम्पेयर्स की, तो 8.56 अम्पेयर चल रहे हैं, लगभग 8.5 अम्पेयर चल रहे हैं, और 1900 से ऊपर लोड चल रहा है, और इनपुट सप्लाई 224-225 के आसपास है, यूनिट कंजम्पशन 0.69 हो चुकी है। तो अभी थोड़ा सा मैं और चलने देता हूँ इसको, ताकि प्रॉपरली यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि आधे घंटे के लिए चलने देते हैं, चलो कोई बात नहीं। 246 पे हमने इसको ऑन किया था ना, तो कितने पे हो जाएगा आधा घंटा, 315 पे आई थिंक हो जाएगा आधा घंटा, तो आधे घंटे के लिए इसको चलने देते हैं, कोई बात नहीं, वीडियो आधे घंटे की है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसको देखनी है वर्किंग वो पूरी वीडियो देखे, और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं वीडियो देखते देखते तो आप सारी चीज़ें समझ चुके होंगे। तो कई लोग कहते हैं कि आप इतना बोल कैसे पाते हो, तो ये सब आप लोगों का प्यार है दोस्तों, जिसके चलते इतनी हिम्मत मिलती है और इतना बोल पाते हैं, सारी चीज़ें बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी इसी तरह अपना प्यार बनाए रखें, ताकि हम इस तरह की ये, क्योंकि ऐसी वीडियोस आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन वीडियोस को बनाने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं, तो टाइम चाहिए होता है। तो बस आप अपना प्यार बनाए रखो, क्योंकि अभी काफ़ी ऐसी वीडियोस हैं जो आपके एमलॉग्स चैनल के ऊपर आने वाली हैं, जिनको आप देखोगे और आपकी नॉलेज में और भी ज़्यादा इजाफा होगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इस टाइम लोड ले रहा है ये एसी, और लगभग 0.75 यूनिट कंज्यूम कर चुका है ये एसी। और टाइम जो है वो ये दिखाना चाहूँगा मैं आपको, 3:12 हुए हैं, तो क्योंकि ये पूरा 2000 वाट पे नहीं चल रहा है, इसीलिए आधे घंटे में एक यूनिट नहीं हो पाएगा, बट जब एम्बिएंट टेम्परेचर और ज़्यादा होगा तो ये 2000 से ऊपर भी वोल्टेज लेगा, क्योंकि ये जो 1500 वाट कहते हैं एलजी वाले अपने इस एसी की पावर कंजम्पशन, उससे बहुत ज़्यादा ऊपर जाकर काम कर पाता है, क्योंकि ये एसी एक्सपेंडेबल कूलिंग को सपोर्ट करता है, ठीक है। और हर एसी जो एक्सपेंडेबल कूलिंग को सपोर्ट करता है वो इसी तरह से ज़्यादा लोड पर चलता है इनिशियल स्टेज में, लेकिन अगर आप उसका एक्सपेंडेबल कूलिंग मोड यूज़ करोगे तो वो जितने टाइम के लिए आप उस मोड को यूज़ करोगे उतने टाइम के लिए वो मैक्सिमम पावर कंजम्पशन करेगा, क्योंकि वो मैक्सिमम स्पीड से चलेगा उतने टाइम के लिए। तो ये मोड काफ़ी ख़तरनाक मोड है, इसको ज़रा देख संभल के यूज़ करें आप, ऐसा ना हो कि रात में आपने हाइपर पे चला के छोड़ दिया इसको विराट मोड पे, और सुबह देखेंगे कि भैया 15-20 यूनिट हो गए हैं, ये क्या हो गया। तो उसकी वजह होती है कि आपने उसको मैक्सिमम पर सेट किया हुआ है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगा उसको जवाब करने की। काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि कमेंट्स के जवाब नहीं देते हो, तो आई एम सॉरी, क्योंकि कई बार टाइम नहीं हो पाता है, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, तो इसलिए हर कमेंट का जवाब दिया जाए, बट फिर भी कोशिश की जाती है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, होप सो आपको एचसी मोड या फिर विराट मोड की सारी जो वर्किंग है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ख़तरनाक टेस्टिंग करने वाले हैं, उसके लिए आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़े रहिए। God bless you, दोस्तों।